सर्वांनी क्लॅपिंग करायचे मॅमसाठी. यस वेलकम मैम, वेलकम. वेलकम मैडम, वेलकम। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग. वेलकम मैम, वेलकम 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 यस वेलकम सो मच ऑल ऑफ यू. खूप छान आहे, वार्म वेलकम केल्याबद्दल. थँक्यू सो मच. यस थँक्यू. तर आजचं जे टॉपिक आहे ते प्रत्येकाकडे आहे, त्यामुळे जास्त काही सांगायची गरज नाही, फक्त त्याची काळजी कशी घ्यायची आपल्या सर्वांना सांगायचं, राईट? येस. तर तुम्ही सर्वजण रेडी आहात? तर रेडी असणं म्हणजे काय? आपल्या सोबत आपलं वर्ल्ड नंबर वन एनर्जी ड्रिंक असणं आणि त्यासोबत आपलं डायरी पेन. ओके. तर आपण जर किचनमध्ये असाल, कुठेही असाल, सो माझी एकच रिक्वेस्ट असेल तुम्हाला, ज्याच्या जीवावरती तुम्ही आहात ना, त्याची काळजी घेण्यासाठी तुम्हाला फक्त आणि फक्त ओनली ओनली 30-30 मिनिट तुम्हाला काढायचे. ओके. येस. नाहीतर मग हे 30 सेकंद जरी थांबलं ना, तर मग काय होतं हे प्री जज करू नका आणि इमॅजिन करू पण नका आणि अनुभव तर अजिबात घेऊ नका. ओके ओके. तो आज का सेशन हम हिंदी में कंटिन्यू करेंगे. येस. हिंदी मराठी जो जैसा आएगा वैसा दोनों साथ करेंगे. तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन करके दूंगी. बहुत सारे लोगों को मैं पता हूँ, नहीं हूँ, मुझे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है. एक कोई भी सूरत हो ना जिसके दिल में बैठती है ना, कोई भी, हाँ कोई भी, कहाँ बैठती है? दिल में. तो दिल कभी भी उसे याद करता है, राइट? सो जो पुराने लोग है ना, सचिन सर के देव को है ना, मुझे आज बहुत बढ़िया लगा कि आज उनका डिवाइस स्क्रीन के ऊपर आया है. आज का सेशन डबल एनर्जी में होने वाला है. ओके. सो सबको दिल से मैं फिर एक बार वेलकम कहूंगी और दिल से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको आपका वीडियो ऑन करके एक खुद के लिए सुनना है और कोई आपका बाकी है जो दिल का है, सच्चा है, उनको यहाँ बुलाना है मेरा इंट्रोडक्शन होने तक. मेरा नाम शीतल संतोष है, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ और ये फैमिली में जुड़ने का कारण माय हस्बैंड संतोष सर. पुलिस डिपार्टमेंट में होने की वजह से उनकी गलत खान पान की आदतें और उनका बढ़ा हुआ वेट, इसकी वजह से उनको एज 30 में 16 kg उनका वेट बढ़ा था और बीपी और शुगर दोनों ही भी स्टार्ट हुआ था. डॉक्टर ने बोला था मेडिसिन स्टार्ट करो, नहीं तो वेट कम करो. सो आसान तरीका वेट कम करना है, सबको पता है. तो वेट कम करने के लिए स्टार्ट किया है फैमिली में. 4 मंथ में सर का 16 kg वेट लॉस हुआ और अभी तक बीपी की कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी. और वो बीपी कंट्रोल कैसा रखना है ये जिन्होंने सिखाया है, यही सिस्टम है वो. और मेरा भी 7 kg फैट लॉस हुआ है. हम दोनों का अलग था, सर का बीपी हाई था और मेरा बीपी लो था, लेकिन अभी दोनों का भी बीपी नॉर्मल है. क्या खाना चाहिए, कुछ उसमें नहीं लेना चाहिए खाने में, लाइफस्टाइल कैसी चाहिए, सब कुछ है फैमिली में आके पता चला. 7 kg मैंने मेरा फैट लॉस किया और 16 kg सर ने सर का किया. तो गजब सर, स्क्रीन के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा.
यस आएगा, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो ये हमारा जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, डिस्क्लेमर था, आपका इससे बेहतरीन और अलग आ सकता है। तो अभी आज का जो सेशन होने वाला है वो हार्ट के बारे में होने वाला है। ओके तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस ये करके दूंगी, मैं यहाँ कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक वेलनेस कोच जो फैमिली में आके खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, हमारा वर्ड्स नंबर वन का न्यूट्रिशन यूज किया है, और उसके बाद जो हमारा ट्रेनिंग सेशन रहता है कंपनी का रहता है डाइटिक्स न्यूट्रिशनिस्ट और हमारे ये सिस्टम के, इसमें जो मैंने सीखा है, जो स्टडी किया है, मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। ओके तो बीपी होता है क्या, और हार्ट, हार्ट तो सबके पास है, लेकिन हेल्दी हार्ट सबके पास रहना जरूरी, राइट? सो आप मेरे साथ चार्ट में कुछ चार्ट करेंगे, आपके पास कैसा हार्ट है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, अच्छा है, बुरा है? अच्छा सबका होता है। ओके तो हेल्दी हमारा हार्ट हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। एक सबसे पहले ये तो देखेंगे ये होता ही क्यों है, जो कुछ दिक्कतें होती है हमें कार्डियोवैस्कुलर, जो हमारे हृदय के बारे में हमें जो भी दिक्कतें होती है वो क्यों होती है, पहले जानेंगे। कुछ पॉइंट्स हम नोट डाउन करेंगे, वो पॉइंट्स लिखने के लिए हमारे पास कॉपी पेन चाहिए। ओके थोड़ा सा हम स्क्रीन स्लाइड थ्रू जाएंगे, टुडेज टॉपिक, और मैं आज बात करूंगी आपके साथ ना कम स्लाइड के साथ, कम स्लाइड के ऊपर और आपके हाथ के ऊपर ज्यादा बात करूंगी। मुझे स्लाइड से ज्यादा बात करना ज्यादा पसंद नहीं है, आपके साथ बात में ज्यादा करूंगी। सो हाउ टू टेक केयर, हमारा जो दिल है इसकी हम केयर कैसे कर सकते हैं, ये हम आज ये सेशन में सुनने वाले। आपको पता है हमारा दिल कितना होता है, उसका साइज कितना रहता है, एक मुट्ठी इतना। ओके ये मुट्ठी इतना है ना, इसमें सब कुछ चलता है और सबको चलाता है, सबको जलाता है। ओके यस, तो इसमें जब हम इसकी केयर करते नहीं तो हमें ब्लड प्रेशर स्टार्ट होता है। बाय द वे ब्लड प्रेशर होता क्या है वो थोड़ा सा जानेंगे पहले। ब्लड प्रेशर एक, इसे रक्तचाप कहते हैं हिंदी में, और मराठी में त्याला रक्तदाब म्हणतात। ब्लड ब्लड यानी खून, प्रेशर यानी दाब यानी चाप। ओके तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ता कब है, जब हमारा दिल लगातार धड़कता है। आपको पता है हमारा दिल लगातार धड़कता है घंटे में कितने बार धड़कता है, कभी किसी ने सुना है स्कूल में कितने टाइम धड़कता है वो? 72, राइट? हमारा जो दिल है 72 टाइम 1 मिनट में हमारे बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो पूरा जो हमारा हार्ट है पूरे बॉडी में ब्लड प्रेशर पंप करने का काम करता है। तो वो पूरे बॉडी में ब्लड भी लेके जाता है, ऑक्सीजन भी लेके जाता है, और बहुत सारे हार्मोन से पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। हमारे हार्ट का काम क्या रहता है, पंपिंग करना। जब हमारे जो कोई आर्टरीज है, हमारे जो वेन्स है, जो इससे पहले स्लाइड देखी मुट्ठी जैसा दिल देखा उसमें कोरोनरी आर्टरीज वगैरह पर बहुत सारा दिखाया था वो, तो क्या होता है जब हमारे आर्टरीज में, जब हमारे वेन्स में अनहेल्दी फैट बढ़ता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है तो प्रॉपर नहीं होता है। वो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करने के लिए हमारे ब्लड को ज्यादा बार पंप करना पड़ता है, उसके ऊपर प्रेशर आता है, तो उसको जो नापा जाता है तो ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ है होता है ऐसे बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर 2 टाइप के रहते हैं, एक हाई और एक लो। तो उसके नापने का क्या तरीका है और उसके नापने का जो मशीन है उसे क्या कहते हैं, ये स्पिग्मेनोमीटर से नापा जाता है मिलीलीटर में, मिलीमीटर में स्पिग्मेनोमीटर से नापा जाता है हमारा रक्तचाप। ओके उसके 2 प्रकार रहते हैं, फर्स्ट रहता है हाई ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक, और जो लो जो नीचे का रहता है बोलते हैं ना ऊपर का नीचे का, दूसरा रहता है डायस्टोलिक। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो जिसका हार्ट हेल्दी है उसके लिए कितना चाहिए, तो 90 से 120 के बीच वो चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ज्यादा चाहिए तो उसको हाई ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होता है, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं खून पतला होने की या ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने की। और जो नीचे वाला जो रहता है वो नॉर्मल आदमी को 60 से 80 चाहिए, और ये हमें हमारी केयर करने के लिए बार बार चेक करना चाहिए। क्या होता है कभी कभी हम चेक करते नहीं, लेकिन कुछ सिम्टम हमें आता है, वो सिम्टम क्या रहते हैं, हमें चलते समय सांस फूलना है, और नहीं चेक करते तो कहाँ से पता चलता है, थोड़ा सा अपने खुद एनालिसिस कर दो। जब हमारा वेट बढ़ता है, हम जब ओवरवेट होते हैं और ओबेसिटी में जाने लगते हैं, तो हमें कुछ सिम्टम आते हैं। वो सिम्टम में फर्स्ट सिम्टम क्या रहता है,
हमारी सांस फूलना, उसके बाद कुछ ज्यादा काम नहीं करते तो भी बॉडी पसीना छोड़ने लगती है और हमें दिल की धड़कनें ज्यादा बढ़ने लगती है और कभी कभी हमें घबराहट ज्यादा महसूस होती है। ओके, तो ये जब हमें बॉडी में होता है तो हमें हमारा बीपी नाप के लेना चाहिए डॉक्टर के पास जाके, ये उसके सिम्टम रहते हैं। और ये बढ़ता क्यों है, ये बढ़ने का कारण है सबसे स्पेशली यानी 70%, 30% करेंगे तो 70% हम हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो खान पान की आदतें हैं और गलत तरीके हैं, गलत टाइम पे गलत खाना, इससे हमें बीपी डिटेक्ट होता है। और इस सिर्फ इसके ऊपर भी डिटेक्ट नहीं डिपेंड नहीं है तो 30% जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक यानी जीन से वो आता है, हमारे माँ बाप को, दादा दादी को, या अंकल को, चाचा चाची को, किसी को भी है तो हमें हो सकता है, लेकिन कितना, 30%। तो 100% हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ कुछ नहीं हमें बीपी है लेकिन उसकी एक दवाई चालू है अभी नॉर्मल है। ओके, सो दवाई की वजह से वो नॉर्मल है, ये हमें याद रखना जरूरी है। दवाई के बिना जिसका बीपी नॉर्मल रहता है उनका बीपी नॉर्मल कहाँ जाता है। आसानी से बोलते जाते हैं संतोष सर को कम एज में क्यों डिटेक्ट हुआ था, क्योंकि उनके मम्मी पापा को है बीपी की तकलीफ, मुझे बीपी लो की तो मेरे पिताजी को है, तो जेनेटिक जीन्स में आता है, लेकिन हम उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं कि नहीं मेरे पिताजी को है, मेरे माताजी को, मेरे तो होने ही वाला है। सो नहीं, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, आपके माताजी को है, पिताजी को है, ओके, लेकिन आप 70% उसके प्रिवेंट ले सकते हैं प्रिकॉशन लेके, जो हमारे डाइट के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में। हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ओमेगा 3 फैट, ओमेगा 6 ज्यादा इंटेक करते हैं, बॉडी में ओमेगा 3 कम लेते हैं। ओमेगा 6 यानी उसमें क्या आता है, जंक फूड, फास्ट फूड, हमें हमारा जो ये दिल है ना, ये चाहता है ना, यही हम जो खाते हैं ना, इसकी वजह से भी हमें ये दिक्कतें होती है। सो उसकी केयर करना है तो हमें इसका चाहना कम करना है, इसके ऊपर कंट्रोल रखना है। ओमेगा 3 जो जरूरी है हमारे बॉडी के लिए हमें वो देना है, नहीं तो हमारे बॉडी में क्या क्या दिक्कतें हो सकती है हम जाएंगे स्क्रीन थ्रू। ये स्क्रीन को ध्यान से समझ के लेना है आपको, इसके ऊपर ही सब कुछ है। हम बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, सो स्मोकिंग करने की वजह से भी हार्ट डिसीज स्टार्ट होते हैं। डायबिटिक्स, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज पहले डिटेक्ट होता है, बाद में बीपी डिटेक्ट होता है, तो ये भी एक साथ बहने बहने के एक के पीछे एक आती है, सो ये उसका भाई ऐसा बोलूंगी मैं। ओके, डायबिटीज का भाई बीपी है, तो हमें ध्यान रखना है। जब हम डायबिटिक्स पेशेंट है तो हमें लाइफ स्टाइल के बारे में पूरा ध्यान रखना है। और एक्सेसिव अल्कोहल, जब कोई लोग एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं उनको भी हार्ट डिसीज होते हैं। स्ट्रेस, सबसे बढ़िया बड़ा और बढ़िया और कोई काम का नहीं, ये कारण है हम लेते हैं स्ट्रेस। दुनिया में स्ट्रेस लेके अभी तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, ऐसा कोई एग्जांपल है, आपने कभी सुना है कि आपने ड्रेस लिया और आपका पूरा प्रॉब्लम यू सॉल्व हुआ, ऐसा कभी हुआ है नहीं, लेकिन लोग छोटे छोटे बात का स्ट्रेस लेते हैं और इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अभी देखो मेरे हाथ में कांच का ग्लास है, अभी गिर जाएगा, टूट जाएगा, तो इसका टेंशन मैं 2 दिन लूंगी ना, तो ये भी स्ट्रेस होता है, लेकिन वो स्ट्रेस हमें नहीं लेना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, उसे कोई कुछ वापस आने वाला है का, कोई प्रॉब्लम हुई स्ट्रेस लेके वो सॉल्व होने वाली का नहीं, ये ध्यान रखना है। हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है और पुअर डाइट, हमारे जो खाने पीने की जो आदत है ना, सच में वो बदलनी चाहिए। 50 इयर्स पहले लोग सही ढंग से खाना खाते तो सही ढंग से जीते थे, ज्यादा साल जीते थे, लेकिन अभी नहीं, अभी हमारा मन का खा रहे हैं, हमें जो पसंद आए वो खा रहे हैं, जो YouTube में आ रहा है हम वो खा रहे हैं। ओके, तो इसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल है गलत हो रही, लाइफस्टाइल की वजह से हमारे प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। बीइंग ओवरवेट टू ओबेस, पहले पुराने जमाने में कुछ लोग ऐसे थे कि वो सिर्फ थोड़ा सा वेट बढ़ा हुआ दिखता, लेकिन अभी थोड़ा सा नहीं, उसके आगे कई 100 के पार भी किया जा रहा है। हमारा BMI जब 25 के आगे जाता है तो हम ओवरवेट होते हैं, हमारा BMI जब 28 के आगे जाता है तो हम ओबेसिटी में चले जाते हैं, और जिसकी बॉडी ओबेसिटी में जाती है तो आपको पूछ के कोई भी बीमारी आने वाली नहीं है। बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, पीसीओडी हो, हार्ट अटैक हो, कुछ भी हो, ये मैं नहीं कहती, ये WHO कहता है। और फिजिकल इनएक्टिविटी अभी बहुत ज्यादा बढ़ी है, क्यों, क्योंकि अभी कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, कुछ जब किचन में बहुत सारे हेल्प करने के लिए नए नए जो कुछ इलेक्ट्रिक बोलो आए हैं ना, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी अभी बंद हो चुकी है और वर्क फ्रॉम होम, और हमारा जो आलस बॉडी में जो घुसा है ना, उसकी वजह से हम ज्यादा काम नहीं करते, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज का नाम ही मत लो। बहुत सारे लोगों को, लेडीज को तो लगता है एक्सरसाइज है जेंट्स का काम है, हमें नहीं करना चाहिए।
ओके, उनको क्या लगता है ये तो जेंट्स का काम है, जिम जाना, वॉकिंग जाना, रनिंग करना, स्विम करना, दैट इज द रॉन्ग। हर एक को जरूरत है 24 आवर में 35 to 45 मिनट खुद के लिए एग्जस्ट। आपको बहुत सारे किसान लोग हैं हमारे कॉल के ऊपर, ये कहते हैं कि हम कितना काम करते हैं खेती में, हमें क्या जरूरत है एक्सरसाइज की। सॉरी फॉर दैट, ये आपका एग्जर्शन रहता है। एक्सरसाइज आपको हेल्दी रहने के लिए करनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमें हार्ट डिसीज होते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं, जेनेटिक से, मैंने वो पहले ही समझाया। तो हमें क्या होता है, हाइपरटेंशन ज्यादा डिटेक्ट होता है, हम ज्यादा उसके अंदर जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, तो हमें हार्ट अटैक जैसे चांसेस भी ज्यादा आते हैं, हार्ट फेल्यूलर भी हो सकता है, और स्ट्रोक जैसे बीमारी भी हमें होती है। तो हमें ध्यान रखना है, एक हम कंट्रोल पाना है हमें स्मोकिंग के ऊपर, डायबिटीज के ऊपर, हम जो एक्स्ट्रा अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए क्या करना होता है, स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए जो आपको चाहिए, आपके दिल को जिससे सुकून मिलता है, दिल को बोल रही वाह, क्योंकि दिल के बारे में ही चल रहा है। किसी को म्यूजिक सुनना बहुत ज्यादा पसंद है, किसी के साथ बात करके अच्छा लगता है, किसी को अकेले रह के अच्छा लगता है, किसी को आपकी जो पैशन है वो कंटिन्यू करने में, किसी का कुछ भी हो, सिंगिंग हो या घूमने जाना हो, कुछ किसी को फोटो निकालना हो, तो इसमें आपको डालना है खुद को, खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना है। और अकेले मेडिटेशन करोगे ना और अफर्मेशन करोगे, इससे बढ़िया दुनिया में आसान चीज और बेहतरीन चीज कोई नहीं है। हमें स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए वो करना है। और जो आपके पुअर डाइट है ना, इसमें आप ये वेलनेस फैमिली में जुड़े हैं, तो उसमें हम स्ट्रॉन्ग डाइट के लिए हमारे पास वर्ल्ड नंबर वन का न्यूट्रिशन है, और डाइट गाइड करने के लिए हमारे बेस्टेस्ट कोच है जो कि हमें गाइड करते हैं, और उनका गाइडेंस हम जैसा जैसा फॉलो करते हैं वैसा हम हेल्दी बनने में हमें हेल्प होती है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर जो आया है, एक क्या है हमारा हार्ट है, और ऊपर जो दिख रहा है ना एक हमारी आर्टरीज है, और नीचे भी दिख रही वही आर्टरीज है, लेकिन हेल्दी और अनहेल्दी दोनों में आप चेंजेस देख सकते हो। जो पीला वाला दिख रहा है ना, पीला वाला, उसमें जरा ज्यादा हम लोगों ने पानी पूरी, कुछ तो समोसा, वड़ा पाव, जो एक्स वाई जेड जो तला हुआ रहता है वो तो हमें खाया है, इसीलिए उसका कलर कैसा हुआ है, पीला, लेकिन वो क्या हुआ है, फैटी। तो हमारा जब फैटी हार्ट बनता है तो हमारा जो आर्टरीज, आप सेकंड यह हमें एरो दिख रहा है या देख सकते हो आर्टरीज में, तो हमें हमारे बॉडी में फैट बढ़ती जाती है, और वहां से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, उसको ब्लड सर्कुलेट करने में हमारा हार्ट को ज्यादा बार पंपिंग करना पड़ता है। तो फैट कितनी चाहिए, हमारी जो विजरल फैट है जेंट्स 5 से 9 लास्ट 11 तक चाहिए, और लेडीज की 2.5 से 7 के अंदर चाहिए, 2.5 से 3.5 रखोगे ना तो आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होने नहीं वाली। सो आपको ध्यान रखना है, सामने आपके हार्ट रखे हैं दोनों, तो इसमें कौन सा है आपको चुनना है आपका। अभी आपका तो येलो वाला रहता है ना, तो आपको आना है हेल्दी हार्ट की तरफ। और आज जो भी कुछ आपको टिप्स मिल रहे हैं इसमें से आप आधे भी फॉलो करोगे ना, तो आप आधे तो उसको सुधार सकते हो। बेचारा है मुट्ठी इतना, उसके ऊपर आप फैट इतना डालोगे तो उसकी कंडीशन कैसी होगी, तो वो जल्दी जल्दी पसीना छोड़ता है ना। ओके, सो आप देख सकते हो जब नॉर्मल फर्स्ट आर्टरीज आपको जो दिख रहे हैं ना, जो फिट एंड फाइन, मेरे जैसा फिट एंड फाइन दिल सबके पास है, लेकिन हेल्दी और खुश भी रहना चाहिए। आपके पास खुश दिल है, सबके पास है, तो स्माइल चाहिए बस। जिसके दिल में खुशी उसके मुंह पे हंसी लाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, आती है वो, जो लाते हैं उनके दिल में कुछ तो मचल रहा है, कुछ तो है। तो हमें क्या करना है, एक अच्छी सी स्माइल देनी है, बाद में उस स्लाइड के ऊपर जाना है। और जो भी आप सेशन में बैठे हो ना, तो बैठ के सुनो, जब हम स्ट्रेट बैठ के सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में वो बैठता है, नहीं तो ये सेशन खत्म हो जाने के बाद आपका दिल पहले जैसा ही बनेगा। अभी यहाँ आके हमें उसको हेल्दी बनाने के लिए, खुश बनाने के लिए कुछ तो लेके जाना है उसके लिए, वो सबके लिए लेके आता है ना। ओके ठीक है, तो हम अभी फिर जाएंगे स्लाइड के ऊपर। सबने बहुत बढ़िया स्माइल दी है, और स्माइल की वजह से मुझे और अच्छी स्माइल मेरी पड़ी है। तो जो फर्स्ट स्लाइड में दिख रहा है, फर्स्ट आपको जो वेंस है, जब मेरे जैसा दिल उनका हेल्दी रहता है। मैं क्यों मेरे जैसा बोल रही हूँ कॉन्फिडेंटली पता है क्या, अभी कोई भी कोच आई है मेरे साथ यहाँ और मुझे करना स्कैन पे खड़े करी है, और जितना लेडीज का फैट चाहिए ना उतना नहीं होता है ना, बस आप जो बोलूंगी मैं वो दूंगी। सो मेरा फैट नॉर्मल है, मेरा विजरल फैट नॉर्मल है, तो मेरे आर्टरीज और वेंस इसमें अनहेल्दी फैट नहीं है। तो थोड़ा सा वेट ज्यादा है ना, आप जब ओवर वेट रहते हो ना, तो सेकंड स्लाइड में जो है ना आप देख सकते हो, ये ऐसा होता है हमारे बॉडी में, जो हमें जो मैद यानी हम जो फैट इंटेक करते हैं स्टोर होता है, और वहां क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन करने की जो आर्टरीज है उसमें
वो बड़ी जगह कर लेता है और वहां से ब्लड सर्कुलेट हो नहीं पाता है। सो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा बीपी बढ़ता है तो डॉक्टर हमें मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। किसकी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं? ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने की, नहीं तो खून पतला है इतने। उनके पास ऑप्शन क्या रहेगा? क्या रहेगा? आपका जो आपने जगह छोड़ा है ना थोड़ा सा, उसमें से ब्लड कैसा सर्कुलेट हो पाए, इसीलिए खून पतला होने की दवाई देते हैं। और आपको ये पता है क्या, जब हमारे पास भगवान ने जो ब्लड सर्कुलेशन है ना 100% से 80% जब तक आप ब्लॉकेज नहीं करते तब तक आपको कुछ होता नहीं, इतना चांस दिया है भगवान ने हम लोगों को। लेकिन हमें 20% केयर करना है वो भी नहीं करते, और नीचे थर्ड नंबर में जो है ना हमारी खुद की हालत ऐसी करते हैं, उसमें मन में नहीं दिल में आए हो जो डालते हैं और हमारे आर्टरीज की वेन्स की ऐसी हालत करते हैं, तो हमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं, ब्लॉकेज बढ़ते हैं। तो यहाँ जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा एंजियोप्लास्टिक, पहले एंजियोग्राफी किया जाता है, डॉक्टर को समझ में आता है कि अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको तो बाईपास करना पड़ेगा नहीं तो आपको एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। एंजियोप्लास्टी करके क्या करते हैं, वो वहां स्टेंट इंस्ट्रूमेंट डाल के वहां से रास्ता बना के देते हैं आपका ब्लड, हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करने के लिए। लेकिन मुझे ये बात बतानी है, जब हमारे हम लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट करेंगे, हम हमारा सही खाना खाएंगे, हमारे बॉडी में फैट जो चाहिए वो फैट कम इंटेक करेंगे, जितना चाहिए जो फैट इंटेक करेंगे, वेट को नॉर्मल रखेंगे, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है क्या? यस नो? हिला सकते हो मुंडी? नहीं जरूरत है, राइट? सो हमें इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है कि हमें डॉक्टर के पास ना जाना चाहिए। और एट स्टेप है हमारे पास, एट स्टेप। ये एट स्टेप जब हम फॉलो करते हैं ना, तो हमारा लॉन्ग लाइफ, हमारा हार्ट हम हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहले कंट्रोल करेंगे हम हाई ब्लड प्रेशर को, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। उसके बाद हम खाएंगे हेल्दी, यानी अच्छा जो हमारे बॉडी को चाहिए हो, और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल लो रखेंगे, जो जितना बॉडी को चाहिए उतना रखेंगे। मैनेज डायबिटिक्स, जितने ही लोगों को डायबिटिक्स है बाद में उनको बीपी आता है, मेरे घर का एग्जाम्पल है, मेरे हस्बैंड का भी है, मेरे ससुर जी का है। मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, मेरे ससुर जी का एक्सपीरियंस सुनोगे ना तो आप इसके ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं होगा। और मैं उनका ग्राफ भी आपको दिखाने वाली हूँ आज। और स्मोकिंग कर रहे हो ना, कुछ नहीं रखा हो स्मोकिंग में, छोड़ दो, कर रहे हो। और रिड्यूस स्ट्रेस, आपकी स्ट्रेस लेवल अच्छी कम कर दो, उसको नॉर्मल कर दो, और हर दिन खुद के लिए एक्सरसाइज करो। आप इतना भी करोगे ना तो आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हो। और उसके बाद हमारे खाने में जो हमारे हार्ट के लिए लगता है, ब्रेन के लिए लगता है, ईपीए डीएचए ओमेगा 3 जे लगता है ना, वो हमारे एक खाने से हमें मिलता है। ज्यादा से ज्यादा हम प्रोटीन वाला और ओमेगा 3 वाला इंटेक करेंगे, ज्यादा फल सब्जी ऐड करेंगे, उसमें विटामिन सी वाले फूड ऐड करेंगे। इतने सारे आप खाते हो ना हेल्दी फूड, तो आपका हार्ट हेल्दी बनने वाला है। आप ये देख सकते हो, ये हर एक की आर्टरी है, सिर्फ मेरी नहीं ये आपकी भी है। आप देख सकते हो ईयर 20 में जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी रहता है वो 100% रहता है। बाद में हम एज 30 के होते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, 80% ही हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। और एज 40 के होते हैं तो 40% पे ही आता है, और एज 50 के होता है तो 50% पे आता है, और एज 60 का होता है, आप देख सकते हो यहाँ 50%। आप 50 इयर्स के होते हो तो 30% पे आता है, और 60 इयर्स के होते हो तो 50% से ही आता है। आपने कभी सुना है कि कोई लोग रात को सोए थे और सुबह जग ही नहीं पाए, जाग ही नहीं गए हो? आपने कभी सुना है? हम हर दिन सोते हैं लेकिन हर दिन सुबह जगते हैं, ये तो खुदा का शुक्रिया ही है। ओके, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह 3 से 5 बजे के बीच में उनकी मौत हो जाती है। क्यों होती है आपको पता है? आपको स्लाइड नहीं समझ में आए तो मैं अभी समझाऊंगा। हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा जब कम होती है तो हमारा जो ब्लड है वो कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे बॉडी में फैट है और ब्लड यानी कोलेस्ट्रॉल एक साथ जब आता है तो उसके साथ ब्लॉक बन जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा कम होती है तो हमारे आर्टरी से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता नहीं, जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो हमारा स्टोर हुआ है सो उससे चिपक जाता है, और यहाँ ब्लॉक बनता है, और यहाँ बड़ा ब्लॉक बनता है तो हमें हार्ट अटैक आता है, और हार्ट अटैक आता है तो हमारी डेथ हो सकती है, यानी बहुत सारे लोगों की हुई है, हम लोगों ने सुनी है। कब? जब बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड कम होता है।
तो उसकी जगह मैं आपको एक दो ऑप्शन अभी दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। अभी आप ये सब फूड खाते हो, इससे आपको जितना चाहिए उतना फैट मिलता नहीं है, जो ओमेगा 3 वाला चाहिए। तो हमारे पास जो हर्बा लाइफ लाइन है, हर्बा लाइफ लाइन नाम का जो न्यूट्रिशन है ओमेगा 3 फैट, उसमें से EPA और DHA जाता है जो हमारा हार्ट का और ब्रेन का ख्याल रखता है। दिन में से 2 बार हम इसे यूज करते हैं तो हमारे बॉडी का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम करने में हेल्प करता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ाने में मदद करता है, और हमारे हार्ट को जो हर दिन का लगने वाला जो खाना है वो देने के लिए हमें हेल्प करता है। उसके बाद जो नाइट्रिक ऑक्साइड की हमें मात्रा तो हमारी अच्छी रखनी है, नॉर्मल रखनी है, तो हमारे पास जो नाइट वर्क नाम का जो न्यूट्रिशन है कभी लेना चाहिए, 25 ईयर्स के आगे हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसे नोबेल पारितोषिक मिला हुआ न्यूट्रिशन हमारे पास है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो न्यूट्रिशन है, जो जिन्होंने बनाया है, लुईस इग्नारो नाम के जो ही हमारे पास PhD होल्डर साइंटिस्ट है, उन्होंने उनको नोबेल पारितोषिक मिला है उनको। किसको मिलता है नोबेल? जो दुनिया को कुछ तो बेनिफिट हुए, ऐसा कुछ तो आविष्कार करते उनको वो मिलता है। उन्होंने ह्यूमन बॉडी को 80 ईयर्स रिसर्च करके नाइट्रिक ऑक्साइड ये फॉर्मूला उन्होंने किया है, और वो हमारे जो न्यूट्रिशन हमारी जो कंपनी है उसको दिया है पेटेंट करके। उसको कंपनी कहती है या वो नोबेल पारितोषिक जो उनको मिला है वो साइंटिस्ट कहते हैं, हम रात को सोते समय 1 ग्लास में 1 चम्मच लेके सोते हैं तो हमारा रात भर जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन है और अच्छा रहता है। रात को हार्ट अटैक आने की चांसेस 99.99% हमें बचाता है। तो मुझे एक ही कहना है या आपको यही बताना है कि आने के बाद मत यूज करो, आने ना देना, इसीलिए उसको ट्राई करो। हमारे पास कॉल के ऊपर बहुत सारे एक्सपीरियंस है, जिन्होंने ट्राई किया है हम उनके भी एक्सपीरियंस लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो फाइबर वाला बीटा हार्ट रहता है, जो हार्ट उसके उसके नाम ही हार्ट है, वो तो बीटा हार्ट हमारी केयर करता है। और बेटा ग्लूकन नाम का उसमें फाइबर रहता है जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे जितने फैट है पेट के ऊपर के, कम करने में मदद करता है। जिनकी ज्यादा सांसें खुलती है, जिनको ज्यादा पसीना छूटता है, वो लोग उसको शेक में ट्राई करो, आपको 10 दिन में समझ में आएगा उसका बेनिफिट क्या है। ओके, और इसके साथ मुझे आपको कुछ सजेस्ट करना है। आप जो खाना खा रहे हो ना, उसमें आपको नमक है ना, व्हाइट नमक, उसकी जगह आपको सेंधो नमक डालना है, यानी रिप्लेस करना है। हर एक को अच्छा रहना है, हेल्दी रहना है, तो एक तो कम खाना है साल्ट, और खाना है तो कौन सा साल्ट खाना है? सेंधो। आपकी जब डीमार्ट में या कहाँ भी जाओगे ना, सो उसके ऊपर का डिस्काउंट चेक करके मत उसको खरीदो। उसके कंटेंट क्या है, आपके लिए क्या जरूरी है। आपको ऑयल भी आप रिप्लेस कर सकते हो, रिफाइंड ऑयल नाम का चीज ही मत खाओ, फिल्टर ऑयल खाओ, या जहाँ बनाया जाता है खुद घाने से निकलता है वो खाओ, नहीं तो ऑली ऑयल आप खा सकते हो या कोकोनट ऑयल आप खा सकते हो। ओके, आप ये रिप्लेस करोगे तो आपको और अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक्सरसाइज सेशन हमारे कॉल के ऊपर है, लेकिन बहुत सारे लोगों का है ना, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती, मुझे टाइम नहीं है। अरे एक दिन, एक सेकंड, आपका जो हार्ट आपको बोला ना मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, तो दुनिया में आपका कुछ है ही नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। और खुद के लिए 10 मिनट टाइम पहले निकालो, बाद में 25 मिनट, बाद में 35 मिनट, आने बाद में 45 मिनट, बस अपने लिए वो काफी है। दिन में सुबह ही नहीं, सुबह निकालो, दोपहर को निकालो, शाम को निकालो, आपको जब टाइम है तब आप निकालो और ये चीजें उसमें ऐड कर दो। हमारी लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट करना है, खाने पीने के, खान पान के बारे में इंप्रूवमेंट करना है, अच्छा खाना, हमारा गुड न्यूट्रिशन हम तो इंटेक कर ही रहे हैं, उसके साथ हमारे हार्ट के लिए लगता है वो हमें इम्प्रूवमेंट करना है। स्ट्रेस लेवल के लिए हमारे कॉल के ऊपर तो चलते ही मेडिटेशंस वो हमें करने हैं, योगा, जुम्बा, कार्डियो, हम सब कुछ हमारे साथ पास है। लेकिन आपके पास है जो कितनी कीमती चीज है ना, वो आपके पास है और आपको पता नहीं ना, आप कर नहीं रहे ना खुद को, सिर्फ इसको आपका जो अंदर रखा है ना, लेफ्ट साइड में है ना, सबको चेक करो जल्दी जल्दी। हाँ, इसका ख्याल आपको रखना है, बस मुझे यही चेक करना था। आपको पता है क्या राइट है या लेफ्ट है? बहुत सारे लोग कॉल के ऊपर आते हैं, बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, सिर्फ BP की 2 गोली चालू है, 20 साल से अभी नॉर्मल है। हाइट कितना है पता नहीं, एज कितना है होगा 40, वेट किया था तो 80 था। ओके, ये जेब भी कभी 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 जेब जो रहता है ना, वो टोबैको वाला, वो खत्म होता है तो याद रहता है ना जेंट्स,
और लेडीज कित कौन से नंबर पे साड़ी में कितना रखा है, कितना नोट, कितने का कितना नंबर भी पता होगा शायद, ये भी पता रहता है ना। और सब कुछ संभालने के लिए टाइम है हमारे पास, सबका देखने के लिए, तो खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकलना है। तो अभी हम कहाँ जाएंगे पता है? हमारे कॉल पे ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ आके खुद की लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करके, गुड न्यूट्रिशन इंटेक करके, हमारा कोच का गाइडेंस लेके, सिस्टम का सपोर्ट लेके, वाव वाला एक्सपीरियंस क्रिएट किया है। उनका बीपी नॉर्मल हुआ है, डॉक्टर की सजेशन की उनकी दवाई बंद हो चुकी है। ऐसा कोई है कॉल के ऊपर तो आप हैंड राइज कर सकते हो। नहीं तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा, नाइट वर्क किसने यूज किया है? एक कॉल के ऊपर अभी तक नेटवर्क किसने यूज किया है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, अपने फैमिली में किसने दिया है? मेरा थर्ड क्वेश्चन, कौन हर दिन इंटेक कर रहा है? सो आप प्लीज हैंड राइज करिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हैंड राइज करिए कि नेटवर्क नाम का न्यूट्रिशन किसने स्टार्ट किया है, उसका बेनिफिट हम सुनेंगे। जिनकी बीपी की दवाई बंद हो चुकी है, इनका भी एक्सपीरियंस सुनेंगे। प्लीज वर्ल्डिंग कोचेस को होस्ट होंगे तो आप एक स्पॉटलाइट कर सकते हो, हम एक एक्सपीरियंस लेंगे। लता सरोदे मैम नाइट का डिवाइस नंबर यस यस, वो है, उनकी एक्साइटमेंट इसके लिए है क्या? मैं तो भूल चुकी थी, उनका सबसे ज्यादा सेशन में ध्यान था। तो अभी हम एक्सपीरियंस सुनेंगे, सबको ध्यान देके सुनना है। यस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग लता मैम, आपको जी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है उसमें आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। आपका नाम, आप कहाँ से हो, कितने दिन से ये फैमिली में जुड़ी है, और आपको क्या बेनिफिट हुआ है फैमिली में जुड़ के? प्लीज को होस्ट प्लीज। यस मैम, अनम्यूट योर सेल्फ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यस, आपको आपका एक्सपीरियंस मी शेयर करना है। रवींद्र मुकुंदराव हिरवे कर्जतून आहे, एक सरकारी नोकर आहे। या फॅमिलीशी जुळण्याच्या अगोदर माझं जवळपास 98 किलो वेट होतं आणि काही चुकीच्या खानपानमुळे हे वेट वाढलेलं होतं, चुकीच्या लाईफस्टाईलमुळे हे वेट वाढलेलं होतं। आणि ह्या वाढलेल्या वेट बरोबर मला बीपी आणि डायबिटीस या दोन्ही गोष्टींचा त्रास झालेला होता। सुरुवातीला बीपीचा त्रास झालेला होता आणि त्याच्यानंतर मग डायबिटीस सुरू झाला। माझे मित्र माझे ग्रेट कोच आकाश लोंढे सर यांनी मला या कॉलबद्दल मला सांगितलं आणि ज्यावेळेस मी ही लिंक जॉईन केली, लिंक जॉईन करण्याच्या अगोदर मला असं वाटत होतं की मी खूप काही गोष्टी केल्या होत्या की बीपीवर कंट्रोल करण्यासाठी। आणि ऍक्च्युली बेसिकली मी एक लॅब टेक्निशियन आहे, मी गव्हर्नमेंट सर्वंट मध्ये म्हणजे आज सध्या तलाठी म्हणून जॉब करतो आहे, परंतु तलाठी होण्याच्या पूर्वी मी एक लॅब टेक्निशियन होतो। मी माझी स्वतःची पॅथॉलॉजी लॅब 8 वर्ष चालवलेली आहे अंबेजोगाईमध्ये, त्यामुळे मला एवढं माहिती होतं की एकदा का बीपी आणि शुगर या दोन्ही गोष्टी जर झाल्यात हे आयुष्यभर ॲलोपॅथीमध्ये डॉक्टर सांगतात की ही गोळी खावी लागते आणि ही गोळी शेवटपर्यंत जाते, ही गोळी कमी होत नाही ॲलोपॅथीमध्ये। त्याच्यामुळे मला या गोष्टी माहिती होत्या म्हणून मी फार असं यानं म्हणजे कसं माझं वजन कमी होईल आणि हे मी कशी गोळी कंट्रोल करेल या प्रयत्नामध्ये होतो। परंतु मी खूप काही प्रयत्न केले होते, जसं की लिंबू पाणी वगैरे, ते कोणी जे सांगेल ते मी केलं होतं, परंतु मला कुठलंही याच्यानं रिझल्ट आला नाही। परंतु ज्यावेळेस माझ्या मित्रांनी मला ही लिंक शेअर केली आणि ह्या लिंकवर ज्यावेळेस पासून मी आलो आणि हा सकस संतुलित आहार घेतला आणि त्यासोबत हे जे आपण जे वेळोवेळी मार्गदर्शन करता आहात, या मार्गदर्शनामुळे काय खाल्लं पाहिजे, किती खाल्लं पाहिजे, कधी खाल्लं पाहिजे, काय खाऊ नये, याही सगळ्या गोष्टींचा ज्या वेळेस इथं मार्गदर्शन झालं मिळालं आणि त्याच्यातून मग माझी म्हणजे तब्येत किंवा हेल्थ असे इम्प्रूव्ह झाली आणि मी जवळपास माझं 22 किलो वेट कमी केलं। आणि सुरुवातीला माझी डायबिटीसची जी गोळी होती ती डायबिटीसची गोळी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने बंद झाली आणि नंतर 1.5-2 महिन्याच्या नंतर माझी बीपीची जी गोळी आहे माझी बीपीची ही गोळी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच बंद झाली आहे। आणि आज जवळपास मी 2 वर्ष झालेला आहे की बीपीची आणि डायबिटीसची गोळी खात नाही, तरीही मी माझी म्हणजे हेल्थ इम्प्रूव्ह आहे। मी कधीही माझं बीपी आणि डायबिटीस चेक केलं तर तो अगदी नॉर्मल असतो। यस त्याच्यामुळे मी सर, धन्यवाद म्हणेल या जब आपको सकस मेडिसिन आहाराला। स्टार्ट किया था डॉक्टर ने तो बोला था कि ये कभी बंद हो सकती है? नहीं, वो कभी बंद नहीं हो सकते ऐसे ही बोले थे ना, क्योंकि लेकिन मैं अभी बेसिकली आपने मैं भी 22 मेडिकल के फील्ड से जो हूँ। वेट लॉस किया है, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट की है, अच्छा खाना, गुड न्यूट्रिशन इंटेक करके, आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट करके आपने आपका जो चाहिए वो हेल्थ गोल अचीव कर लिया है, और अभी वो मेंटेन भी कर पा रहे हैं 2 साल से, राइट?
बिल्कुल यस, तो आपको लगता है आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सकते हैं हेल्दी कम्युनिटी के साथ जुड़ के और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल ऐड ऑन करके? हाँ बिल्कुल, मैं लाइफ टाइम ऐसे ही हेल्दी रहूंगा, क्योंकि ये इतने अच्छी फैमिली है, तो मैं लाइफ टाइम हेल्दी रहूंगा। यस, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छी चीज है तो हम खुद लाइफ टाइम कर सकते हैं, राइट, कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा इसका बिल्कुल नतीजा आपको तो मिला ही, आपका एक्सपीरियंस 22 kg का फैट लॉस, उसके साथ आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हो। यस, तो आप सर, आप क्या क्या न्यूट्रिशन इंटेक किया है आपने, आपका जो हेल्दी इंप्रूवमेंट आया है इसके लिए? न्यूट्रिशन में मैंने अभी शेकमेट लिया है, फॉर्मूला 1 लिया है, फॉर्मूला 2 में मल्टीविटामिन लिया है, सेल्यूलॉस लिया है, एक्टिवेटर लिया है, एलो प्लस लिया है, नेटवर्क भी मैंने लिया है, और प्रोबायोटिक भी लिया है, स्किन बूस्टर लिया है, यस, तो आपको जो वेट इस मैनेजमेंट के लिए, जो स्किन हेल्थ के लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए जो भी चाहिए, आपने सब खाना आपके खाने में ऐड कर दिया है। और आपको जो कम बॉडी में कमी थी वो आपने पूरी की है, और वो पूरी करने की वजह से आपको अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, राइट? राइट राइट यस, थैंक यू सो मच सर, आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। हम अभी नेक्स्ट जाएंगे हमारे कॉल के ऊपर, लता मैम है, लता मैम ने भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस लिया है या फैमिली के साथ जुड़ के, उनका एज और उनका सुबह का एक्सरसाइज का फिटनेस देख के। थोड़ा सा कैमरा प्रॉपर सेट कीजिए मैम, आप पूरी दिखनी चाहिए, आपका मुंह दिखना चाहिए। यस राइट, वेरी गुड, गुड इवनिंग। जो भी रविंद्र सर का एक्सपीरियंस था वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर एक का अलग आ सकता है। यस मैम, अनम्यूट योर सेल्फ, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। शिमला 1 वर्ष होते मला शुगरचा प्रॉब्लेम होता, माझे इन्सुलिन होते, 2 वर्षापासून इन्सुलिन चालू होते। आता 1 वर्ष झाले माझे इन्सुलिन बंद झालेले आहे आणि शुगर एकदम नॉर्मल राहते माझी, आणि बीपीचा पण त्रास कमी झालेला आहे। माझ्या गोळ्या एकदम कमी पॉवरच्या सुरू केलेल्या आहेत डॉक्टरने। शुगरचा आणि त्रास मला 1 वर्षापासून होता आणि किती युनिट इन्सुलिन होता तुम्हाला? 3-4 वर्षापासून होता बीपी आणि शुगर। येतो का आवाज? येतो? यस यस, 3-4 वर्षापासून बीपी आणि शुगर होतं आणि इन्सुलिन वरती शुगर होती। किती किलो वजन तुमचा कमी आवाज, झालाय तुमचं? तुमचा आवाज मला येत नाही मॅम। ओके पाऊस चालू आहे ना, त्याच्यामुळे काय म्हणजे प्रॉब्लेम येत आहे थोडा। ओके, नो प्रॉब्लम। आपका टोटल वेट लॉस कितना हुआ है? मला 18 किलो कमी करायचं, तर 14 झालेलं आहे माझं। यस, तो गजय सर, इनका ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए। 18 kg वेट लॉस करना था, उन्होंने 14 kg वेट लॉस किया है। उनका शुगर और बीपी, शुगर उनका इंसुलिन पे था, लेकिन उन्होंने उनकी खान पान की आदतें चेंज की, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट किए, हर दिन खुद के लिए जो चाहिए बॉडी को लिए देते हैं, टाइम निकालते हैं। तो उनका इंसुलिन के ऊपर का जो शुगर है अभी डायबिटीज मेडिसिन के ऊपर आया, और उसका पावर भी बहुत कम है। और बीपी की प्रॉब्लम अभी मैम सॉल्व है या अभी कुछ मेडिसिन स्टार्ट है उसके लिए? मैं नाइट वर्क पन यूज करते हैं मैम। यस, तो नाइट वर्क का एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं सबको, सबके साथ। नाइट वर्क से मला खूप छान रिजल्ट आलेला आहे। मला जी धाप लागत होती ती माझी कमी झालेली आहे। वर्कआउट मी भरपूर करू शकते, पण आता 15-20 झाले, 20 झाले, मी बाहेर गावी होती, त्याच्यामुळे मी वर्कआउट नाही करू शकली, पण माझं फॉलो मी केलं, बाहेर गावी गेली पण फॉलो केलं मी। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहाँ भी जाए दुनिया में, हमारा फॉलोअप हमें लेना है खुद का, हमारी जो रूटीन है हमें सही ढंग से फॉलो करनी। मैम के लिए हम क्लैपिंग करेंगे, बाहर गई 15 दिन तब भी खुद के लिए टाइम निकाला है, क्योंकि उनको पता है बीपी और शुगर तो हमें आया है और सेकंड हैंड हमें। पन भी घेता है, फॉर्मूला 2 पन घेता है पूर्ण। यस मैम, थैंक यू सो मच, बेस्ट लक नेक्स्ट वेट लॉस के लिए। थैंक यू मैम। यस, आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन है रविंद्र सर का, जो खुद लैब टेक्नीशियन थे और उनकी हालत उनकी लाइफस्टाइल की वजह से बिगड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने अभी वो सुधारी है और उनका अपने एक्सपीरियंस भी सुना है। तो थैंक यू लता मैम, लता मैम का भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा स्क्रीन के ऊपर। तो और ऐसा कौन है जिन्होंने नाइट वर्क यूज किया है वाओ वाले फीलिंग? मेरे पास एक्सपीरियंस है उसका। रोहिणी मैम, मैं आपको एक फोटो देती हूँ, अभी के अभी आपको वो शेयर करना है। यस, सभी क्लैपिंग करेंगे हम लोग शीतल मैम के लिए। उन्होंने बहुत जबरदस्त हमें नॉलेज दिया है कि हमें अपना हार्ट जो है उसे हेल्दी रखना है। तो
तो हेल्दी रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये बहुत सारे टिप्स हमें मैम ने दी है। और जो उन्होंने वीडियो दिखाया है वो जबरदस्त वीडियो उन्होंने दिखाया है। अगर कुछ बातें हमारी समझ में शीतल मैम की नहीं आई होंगी तो उस वीडियो में डॉक्टर साहब ने जो बताई है वो अगर हमारे दिमाग में आई होंगी तो हम जरूर उस पर अप्लाई करेंगे। और जो गुड न्यूट्रिशन है हमारा, हम अगर उसे इंटेक करेंगे तो लॉन्ग लाइफ हम हमारा हार्ट जो है तो हेल्दी रख सकते हैं। इसे कहीं भी डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो थैंक यू। अपने अपने कोच को थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस कॉल पे आपको इनवाइट किया है। तो कॉल होने के बाद आप अपने कोचेस को थैंक यू करें। ओके, सो बाय बाय। चलो चलो, बाय बाय एवरीवन। Damn.